हेलो दोस्तों, हम लोग अब इंडियन पॉलिटी के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। मैंने अभी तक कवर किया है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने पार्ट फर्स्ट पे आए। हम लोग पार्ट फर्स्ट में हमने देखा यूनियन एंड टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हमने पार्ट टू किया। पार्ट टू में हमने देखा सिटीजनशिप। अब हमें पार्ट थ्री पर, पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इन्हें कैसे याद किया जाए वो ट्रिक भी बताऊंगा, प्लस उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताऊंगा जिससे कि आपको सदैव के लिए याद रहे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओरिजिनल फॉर्म में था, मतलब इनिशियल फेज में था, 1949 की बात कर रहा हूँ मैं, 26 नवंबर, इस दिन ये डेट थी जिस दिन ये बन के तैयार हुआ। इस दिन को जो 26 नवंबर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 26 जैन को 1950, मतलब अगले साल आ गया ये, इसके बाद उसमें ये इम्प्लीमेंट हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। तो जब ये लागू हुआ उस समय इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, पार्ट जो थ्री है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस था, उसके बाद अब क्या क्या चेंजेस आए और करंट में क्या सिनेरियो है। तो अभी जो ओरिजिनल फॉर्म था, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। और फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं बेसिकली, पहले ये भी समझ लेते हैं। ये वो राइट्स हैं कि जिनके बिना इंसान का जो पूरा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का सेंस रहेगा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक उसे लाइक अपने रिलीजन को वर्शिप करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर जो भी जो उसके खिलाफ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर समाज में इक्वलिटी नहीं मिलेगा, तो उसके बाद उस ह्यूमन का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर सकता इन सब चीज़ों की वजह से, अगर ये सब चीज़ें नहीं मिली। इसीलिए जो बिल्कुल बेसिक जो राइट्स हैं, जो कि किसके अगेंस्ट दिए गए हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट मतलब स्टेट। स्टेट का मेरा सेंस है जो सरकार होती है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, उसके अगेंस्ट उसकी जो पॉलिसी है वो कहीं उसे ऑप्रेसिव तो नहीं है। ऑप्रेसिव मतलब कि कुछ ऐसा कानून तो नहीं है जो कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वॉयलेट कर रहा है, उनकी वजह से उसके जो प्रॉपर ग्रोथ है वो रुक पा रही है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो देन ये वाला शख्सियत जिसको कि सिटीजन बोलते हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए एक बॉडी है जिसको बोलते हैं SC, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मूव कर सकता है। तो ये राइट्स किसके अगेंस्ट दिए गए हैं, ये दिए गए हैं ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ स्टेट। तो मैंने आपको बताया था जब एस वाला जो ये लेटर है, ये हम लोग सॉरी अल्फ़ाबेट हम लोग बनाते हैं कैपिटल में, देन इस रिप्रेजेंट कंट्री, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं देन ये स्टेट जो कि राज्य है, जैसे कि UP रहा, बिहार रहा, इस टाइप से। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं कि 7 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, लेकिन इनमें से एक राइट है जो कि 6 वाला राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया बाद में, इसकी जगह कुछ और राइट जोड़ दिए गए। तो अब टोटल कितने रह गए, ये रह गए पूरे 7। अब जो करंट स्टेटस है उसमें 7 है। ओके, अब इनके सब पार्ट्स जुड़ गए कुछ कुछ के, लेकिन बाकी जो मेन है वो 6 ही हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आगे चलते हैं, इनके नाम आपको पता ही होगा कि समानता का अधिकार, देन ये स्वतंत्रता का शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म के अगेंस्ट, संस्कृति के और शैक्षणिक अधिकार, और ये लास्ट वाला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब होता है कि अगर ये सब राइट जो ऊपर वाले राइट हैं पाँचों ये वॉयलेट हो रहे हैं, तो देन आप 7th वाले राइट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर अपना रिट पिटीशन लगा के आप उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है बस। ठीक, अब बेसिकली आपको ये पता है, लेकिन याद करने के इसके सब पार्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है आर्टिकल 14 to 18। तो बीच में कितने होंगे, 14 होगा पूरा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18। तो ये सब कहाँ गए, ये वाले आर्टिकल्स, इनमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे इसमें 19 to 22, ये आपको मेजरली याद रखना है, इसके सब पार्ट्स भी हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे अभी। वो जो सब पार्ट्स की मैं बात कर रहा था, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें 32 है, उसको आप, क्योंकि उसका कोई सब पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसलिए मैंने उसे वहाँ एक्सटेंड नहीं किया है। ये बाकी जो है उनके सब पार्ट्स थे। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये वाला जो 31 था
वो हटा दिया गया है। बाकी यहाँ नंबर्स देखेंगे तो ये नंबर्स को याद करने का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेरा बेसिक फोकस है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्रेस करके कितना भी आप माइंड में रखने की कोशिश करेंगे देन वो एक टाइम के बाद उड़ जाती है। लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन बताता हूँ आपको इसका। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं इसे बोल देता हूँ, उसके बाद फिर ट्रिक पे बात करेंगे कि बेसिकली हम लोग कैसे याद करेंगे इसे। इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन, ये लेटर्स ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद रखना है बस, इसके आधार पर फिर बाकी एलेबोरेशन आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है यहाँ पर दिस इज अनटचेबिलिटी, इसके बाद ये आता है टाइटल्स। टाइटल्स मतलब जो नाम के आगे लगा देते हैं आप कुछ भी, जनरल, लेफ्टिनेंट, लेकिन इसमें दो को एक्सेप्शन दिया गया है। प्रोफेशनल डिग्री है जैसे डॉक्टर लगा सकते हो, और जो आर्मी के मेजर्स हैं वो सब लगा सकते हैं, आर्मी की जो जितनी भी डिग्रियाँ होती हैं प्रोफेशन को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर लगा सकते हो आपके नाम के आगे, ऐसे इस टाइप से। दूसरा वाला ये वाला है जो 20, ये वाला जो नंबर्स दिए हुए हैं ये क्या है, आर्टिकल का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे 19th वाले को, तो 19th वाले में दिया हुआ है, इसमें जो 6 फ्रीडम्स दी गई हैं बेसिकली, हमें जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं तो हमें 6 टाइप की फ्रीडम दी गई हैं, उन 6 फ्रीडम्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है 6 फ्रीडम्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया है, उनके प्रोटेक्शन के बारे में इसमें दिया हुआ है। जो 20th है उसमें दिया गया है आप जैसे कि आपके खिलाफ कोई केस चला या फिर कोई आप पे आरोप लगा गा, तो आरोप के बाद जो प्रोविज़न होते हैं मतलब कन्विक्ट होने के बाद जो ऑफेंस के लिए जो आपको मैकेनिज्म है बचाने के लिए, उसके लिए ये है, तो इसको बोल बोल सकते हैं कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और ये वाला है, ये है लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड, उसी का एक और ऐड किया था हमने, ये है एडुकेशन। उसके अगला वाला आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहां पे आ रहा है ये 23rd वाला है, इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। उसके अगला वाला आता है यहां पे चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज। इसके आगे आएंगे ये रिलीजन वाला जो अधिकार है उसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, इसमें जो ये टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे प्रकरण, अभ्यास, प्रचार, प्रसार, इसका मतलब होता है कि अंतःकरण। पहले तो आप ये सोचिए कि कोई भी थॉट आता है आपके दिमाग में तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचते हैं उसके बारे में, तो वो अंतःकरण हो गया, उसका मतलब आपके अंदर उसमें कुछ भी आपने उस पर कॉन्साइंस में आया बेसिकली वो। उसके बाद क्या होता है उसका, देन उसे आप बताते हो किसी को, देन वो बंदा फॉलो करे ना करे, देन वो प्रैक्टिस करे ना करे, मतलब उसे प्रैक्टिस बोल सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो देन उसका क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा, वो और किसी को बताएगा और आगे फैलेगा। तो यही फॉलो करना होता है रिलीजन के कॉन्सेप्ट में। कोई भी आइडिया है यहाँ पे, आइडिया को रिप्लेस कर दीजिए आप रिलीजन से, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो आपने कॉन्साइंस का अधिकार है आपको, उसके बाद क्या है दूसरा वाला क्या आ जाएगा, देन उसे आपको बोलने का मतलब एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उसके बाद फिर उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है, फिर उसके बाद वर्शिप करने का अधिकार है। तो ये चारों हैं, इसको रिलेट कैसे करना है ऐसे इस टाइप से, ठीक है। देन इससे अगला वाला है 26, उसमें दिया हुआ है कि रिलीजियस जो मैटर्स हैं उनके बाब मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, यहाँ दिया हुआ है मैनेजमेंट, जैसे कि कोई रिलीजियस संस्था है उसको मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं रिलीजियस पर्सन। जैसे कि एक मंदिर के लिए आप पुजारी ही रखोगे, और वो सर्टेन अगर वहाँ रिजर्व करना है आपको किसी को सीट की, सर्टेन क्लास के लोग ही रह सकते हैं, तो पॉसिबल है। और इवन सबरीमाला वाला जो इशू है उसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही जजमेंट
देने की, लाइक रिव्यू पटिशन में बेसिकली ऐसे जजमेंट की ही एक्सपेक्टेशन की जा रही है लोगों ने, लोगों के द्वारा। तो यहाँ देखेंगे आप इसमें क्या है, मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ याद रखना है आपको मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, ठीक है। इससे अगला वाला क्या है कि आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स किसके लिए, किसी भी रिलीजियस काम के लिए। अब गवर्नमेंट बोले कि हमें यहाँ पे मंदिर बनाना है राम मंदिर और हमें टैक्स चाहिए उसके लिए 3%, तो नहीं मांग सकती, क्योंकि कौन से जो धर्म, वो जो हमारा आर्टिकल है उसका वॉयलेशन है, आर्टिकल 27। नेक्स्ट वाला है हमारे पास कि जो रिलीजियस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल चीज़ें हैं, संस्थान हैं, वहाँ पर रिलीजियस जो डायरेक्शंस हैं वो नहीं दिए जा सकते, तो ये 28 में दिया हुआ है। इसके बाद 29 में दिया गया है माइनॉरिटी जो होती हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में। उससे अगला वाला है कि माइनॉरिटीज़ को भी अपने जो शैक्षणिक संस्थान है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें खोलने का अधिकार और चलाने का अधिकार भी है। तो ये वाला आ जाएगा माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये आ जाए। ये वाला अधिकार मैं बोल रहा था 31st, ये हटा दिया गया है, ये रहा यहाँ पे निरस्त लिखा है इसमें, तो ये हटा दिया गया है इसे। तो अब टोटल कितने हैं, 6 हैं, और 6 के सब पार्ट्स हैं, बहुत सारे आपको याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने 5 कवर कर लिए हैं, छठवां कौन सा, यहाँ पे 32 आएगा, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर ये सब जो ऊपर वाले राइट्स हैं वो वॉयलेट होते हैं, देन आप यहाँ पे रेमेडी के तौर पे बहुत सारी रिट पिटीशन दी हुई, उनके नाम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी अगले वाले स्लाइड में। तो हम इन्हें याद कैसे करें, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इंडिया का मैप याद कर चुके होंगे मुझे आशा है, अब वहाँ से हम लोग इसे ट्राई करेंगे। एक मैं इससे पहले एक कहानी बताऊंगा आप लोगों को, उसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है, देन उसके बाद उसे रिलेट कर पाएंगे आप लोग। ये इंडिया का मैप है, तो एक है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसने दो स्कीम्स चला रखी हैं, एक सुना होगा आपने भारतमाला और दूसरा सुना होगा सागरमाला। इनका मतलब क्या है, भारतमाला में क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है, जो कि लैंड पोर्शन है, यहाँ से लेके जो इंटरनेशनल बाउंड्री जहाँ तक एक्सपेंड है इंडिया की, देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से गुजरात से जाएंगे आप, जो कि शेयर करते हैं दूसरे लैंड बॉर्डर के साथ, ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ से जाओ आप एंड तक चलते जाओ, और ये वाला पोर्शन सारा, ठीक है, यहाँ तक। इस वाली जो स्कीम है इसमें इस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, यहाँ पे कुछ रोड्स वोड्स जो भी बनाना है उन्हें, टनल्स बनानी है और जितना भी है, तो ये पूरा यहाँ पे बनाना है उन्हें। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो समुद्र वाला पोर्शन है, इसमें स्कीम लागू की गई सागरमाला। उसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे पोर्ट्स हैं बहुत सारे, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए, जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सके, उसके लिए स्कीम को यहाँ पे लागू किया गया, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पूरा मिलके बना रहा है एक भारत। तो इसको माला इसलिए बोला गया है कि एक काइंड ऑफ गार्लैंड बन रहा है, देखो इंडिया के चारों तरफ, ठीक है। और आगे वाला नाम, ये लैंड पोर्शन है और ये वाला सी पोर्शन के आसपास, तो वहाँ से नाम लिया गया सागर एंड भारत, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे याद करेंगे, जो ट्रिक मैंने बनाई है वो इसी पे बेस्ड है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से नीचे वाला जो सागरमाला वाला प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग DPSP को याद करेंगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन है भारतमाला, इससे हम लोग फंडामेंटल राइट्स को याद करेंगे। तो अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करेंगे। तो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं, ये स्टेट है यहाँ पे है J&K, मैं इनके नाम रख लेता हूँ J&K, फिर है लद्दाख, उसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये वाला है UP, फिर यहाँ आ जाता है बिहार, फिर इसके बाद देखना ये जो बॉर्डर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी टच करता है, दार्जिलिंग वाला पोर्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दार्जिलिंग वाला पोर्शन। दार्जिलिंग में राइट्स चलते रहते हैं, पता है वो अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में रहता है। और ये वाला पोर्शन है सिक्किम, यहाँ पे फिर आएंगे आगे तो देन दिस इज असम, यहाँ से फिर अरुणाचल प्रदेश,
इसके आगे आप आएंगे यहाँ पे, मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखिए बॉर्डर वाले जो रीजन्स हैं उन पे, दिस इज नागालैंड, देन दिस इज मणिपुर, इसके नीचे है मिजोरम, और फिर ये ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन है त्रिपुरा, और ऊपर वाला यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज मेघालय। ठीक है, अब इन स्टेट्स की कुछ खासियत हैं, उनके बेसिस पे हम लोग याद करेंगे। आपको तो जे एंड के में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। और वैली क्या होती है, वैली मतलब घाटी, घाटी होती है, ये जो एक पहाड़ है यहाँ, एक और पहाड़ है, इनके बीच का जो एरिया है ये, जो कि बहुत लो लाइंग है, बहुत नीचा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है कि कश्मीर घाटी की बात होती है जब भी, तो दिस इज लो लाइंग एरिया, तो लो निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से आएगा वर्ड दिस इज लॉ। ठीक है, तो यहाँ से लो से लॉ को याद करना है, तो आर्टिकल 14 यहाँ से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 14। तो इसमें किसकी बात की जा रही है, लॉ की। तो आप पहले आर्टिकल 14 देखेंगे, देन आपको पता चलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर देन नेक्स्ट वाला आएंगे, देन यहाँ पे ये वाला अभी बाइफरकेशन हुआ है जे एंड के का, तो देन ये वाला जो पोर्शन है, जो ईस्टर्न पोर्शन है, ये एक नई यूटी में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। ठीक, लद्दाख में क्या हो रहा था कि ये वाला पोर्शन इसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट करता था। क्यों करता था, क्योंकि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था वो जे एंड के, मतलब जम्मू कश्मीर वैली में ही था, इसकी वजह से लद्दाख वाले पोर्शन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की गई है, इसमें बस डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अब इसके अगले वाले पे जाएंगे, देन जस्ट नीचे आएंगे। अब डिस्क्रिमिनेशन में भी टाइप हैं जो कि आप जानते हैं, रेस के बेसिस पे इंडिया में 5 तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो आपको पता होना चाहिए, रेस के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, रिलीजन एंड कास्ट। इनके बेस पे जो जितना भी रेस मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सब पनिशेबल है। तो ये 5 तरीके हैं। अब इसमें आएंगे आप आगे, देन हिमाचल प्रदेश, ये वाला पोर्शन। अब मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा था, वैली वाला पोर्शन ये होता है, और जो हिमाचल प्रदेश है वो हिली एरिया है, वो ऊपर साइड है, मतलब ऊपर साइड। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, यहाँ से आप रिलेट करें, दिस इज लाइक ऊपर। ठीक है, फिर अगला वाला है उत्तराखंड, तो दिस इज यूटी, मतलब अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये 14th हो गया, दिस इज 15th, 16th, 17th पे आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आता है 18th, जो कि यूपी। तो यूपी में अभी एक फेमस केस चल रहा था, अयोध्या वाला। तो अयोध्या वाला जो पूरा केस था उसका पूरा नाम देखेंगे तो अयोध्या टाइटल सूट था उसका नाम। टाइटल किस चीज़ का, जो पोर्शन था लैंड का उसके लिए किसको टाइटल मिलेगा, मतलब 3 लोगों में बंटनी है, एक में बंटेगी, उसके लिए बेसिकली ये लड़ाई थी पूरा, जो सुप्रीम कोर्ट गया था मामला अभी रिसेंट में। तो यहाँ से टाइटल को याद रखना आपको। ठीक, नेक्स्ट वाला आया बिहार, तो ये 18th तक पूरा हो गया, देन 19th पे आते हैं हम लोग। 19th में आप लोग देखेंगे बिहार के बारे में, बिहार मतलब आप इसको ए को, सॉरी जो आई है उसे ए में कन्वर्ट करिए और इसे लगा के देखिए बाहर, मतलब आप आउटसाइड रहते हैं अपने घर के, तो उसके बाद क्या क्या फ्रीडम्स हैं जिनके बेसिस पे आपको रहना है। तो वो 6 फ्रीडम्स थी जिनको मैं जिक्र कर रहा था, तो 6 फ्रीडम्स क्या क्या हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ से कि जो आर्टिकल 19 है वो क्या बोलता है, 6 फ्रीडम्स की बात करता है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जब ऑप्शंस में आएंगे तो आपको एटलीस्ट एलिमिनेट करना आना चाहिए कि 19 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ का जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट, जैसे ऊपर जाते हैं आप, तो मैं इसलिए इसको बता रहा था कि ये वाला पोर्शन ये लोग इग्नोर करते हैं कि यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वो नेपाल से अटैच होता है, लेकिन यहाँ बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि अटैच होता है। यहीं से पूरा जो इशू था आप लोग देख पाए होंगे, दार्जिलिंग में लास्ट ईयर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, अलग स्टेट की मांग हुई थी,
वो सब यहीं से अटैच है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला वो वेस्ट बंगाल जैसा लगता नहीं है, क्योंकि बंगाली स्पीकिंग वो नहीं है वहाँ पे लोग, जो कि सिमिलर बंगाली जो प्रॉपर बंगाली होते हैं उस जैसे हैं वो, थोड़ा नेपाल में जो लोग रहते हैं थापा लोग उस टाइप से रहते हैं, उनके लाइक उन जैसा ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उस टाइप का हिली एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो ये अपने आप को थोड़ा सा डिसइंटीग्रेटेड पाते हैं, इसलिए वो अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये वाले पोर्शन में, तो दिस इज़ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो हम कौन से आर्टिकल पे आ चुके हैं, दिस इज 19th एंड दिस इज 20th। जो 20th है इसमें आपको दिख ही रहा है कि ये दार्जिलिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, दार्जिलिंग ब्रांड है टी का, ठीक। तो आपको इसे कॉफ़ी कंसीडर करना है, बस इतना याद रखना है। यहाँ से आ जाए कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक। उसके बाद अगला स्टेट कौन सा है यहाँ पे, सिक्किम, तो ये सिक्किम आएगा यहाँ से, रिलेट करो आप किसे, सिक्कों से, सिक्के मतलब मनी, और मनी लिव मनी के साथ क्या आता है, लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अगले वाले पोर्शन में आएंगे यहाँ पे, ये वाला पोर्शन दिस इज आसाम, तो फिर आसाम बताता है हमें, आसाम में दो इश्यू चल रहे हैं, एक तो अभी चल रहा है स्कैब की वजह से, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, लेकिन उससे पहले एक और इशू हो चुका है, दैट इज एनआरसी वाला। तो एनआरसी वाले इशू में क्या था कि कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, अब निकाला जा रहा है तो गवर्नमेंट क्या चाहिए, कुछ लोग अरेस्ट हों, तो यही यहाँ से निकाला जा रहा है, तो ये रखना अरेस्ट एंड डिटेंशन है, वो किस में दिया है, आर्टिकल इस वाले में, किस में, आर्टिकल 22 में, जो कि किसका है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आसाम। ऊपर वाला पोर्शन सिक्किम में आप एक चीज़ और ऐड करेंगे कि चूंकि ये वाला पोर्शन सिक्किम वाला बाद में इंडिया में ऐड हुआ है 1975 में, तो ये ऐड हुआ है इंडिया में, तो ऐड से यहाँ से एडुकेशन याद रखना आपको, जो कि आर्टिकल 21A है, जो कि 21 लाइफ एंड लिबर्टी है, उसी में सब पार्ट जोड़ा गया था 21A, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा फील आ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अरुण है, उससे बोला जा रहा है कि अब चल कहीं पे प्रदेश, मतलब फोर्स किया जा रहा है उसे कहीं जाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स लेबर यहाँ से आ रखना है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसी का एक डायमेंशन है। नेक्स्ट आएंगे आप, ये वाला स्टेट है, दिस इज नागालैंड, ये जो नागालैंड वाला पोर्शन है इसमें आपको दिख रहा है दिस इज एनजी, तो एनजी को रिलेट करो एनजीटी से, तो एनजीटी से रिलेट करेंगे, तो एनजीटी किस चीज़ पे बेसिकली काम करती है, एनजीटी काम करता है जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, तो जितनी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री हैं उनको ये बैन कराती है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए हुए उनको अगर खरा नहीं उतरते, या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस उन्हें लगता है कि ये फील हो रही है, तो यहाँ से आपको फैक्ट्री वर्ड याद रखना है, जैसे ही फैक्ट्री वर्ड आएगा तो देन आपको ये आर्टिकल 24 याद रखेंगे, जिसमें कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से मना किया है, 14 ईयर से कम बच्चों को, तो ये बच्चों के लिए बेसिकली है, तो आर्टिकल 24 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे आएगा मणिपुर, तो मणिपुर से वर्ड निकालना है आपको मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, तो यहाँ पर आपको एक फिर यूज़ करना है कि एक नया आर्टिकल आने वाला है और नया राइट भी, तो राइट है वो हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो सब पार्ट्स हैं वो आपको ऐसे याद रखने हैं कि हम लोग बचपन से एक एक लेटर, एक जो ये वर्ड है उसे सुनते आए हैं, जो कि दो तीन फ्रेज मान सकते हैं आप इसे, जो कि दो तीन वर्ड से मिलके बना है, जिसको कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम लोग सुनते आए हैं कि हम सब भाई भाई हैं, इस टाइप से एक कविताएं हुआ करती थी हमारे बचपन में, तो यहाँ से आपको रिलेट करना है ये मैनी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब क्रिश्चियन, तो यहाँ से आप देखेंगे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो टॉलरेंस की पावर है वो वहाँ से दिखती है, कि उसमें कोई भी आस्था, इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे लाइक पाथ हैं, आप कोई भी आप इवन फॉलो ना करो जब भी आप हिंदू रह सकते हो,
आप पूजा नहीं कर रहे जब भी हिंदू हो, तो मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो आप वो जो कॉन्साइंस वाला कॉन्सेप्ट था कि प्रैक्टिस करो ना करो, या फिर आप देन उसे फैलाओ ना फैलाओ, ये सारे पार्ट आ जाते हैं इसमें। तो आपको ये वाला आर्टिकल याद रखना है, जो 24:5 होगा वो हिंदू से याद रखना है, मुस्लिम वाले से MS जैसे आएगा देन मैनेज आ जाएगा यहाँ से। मतलब रिलीजियस अफेयर्स को आपको मैनेज करने का आर्टिकल कहाँ से याद, जैसे 26 26। अब इससे अगला आता है सिख, तो यहाँ पे दोबारा सिख के से रिलेट करना है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स, आपको टैक्स नहीं पे करना है आर्टिकल 27 में। और क्रिश्चियन देन ईसाई, आप लोग कॉन्वेंट स्कूल वगैरह का कॉन्सेप्ट सुना होगा, वो वहीं से आए बेसिकली, मिशनरी स्कूल्स एंड ऑल दोज, तो आपको वहाँ से एडुकेशन को रिलेट करना है। तो आर्टिकल 28 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक 28 हो जाएगा, देन आगे मूव करेंगे आप, तो दिस इज मिजोरम। तो मिजोरम में आगे वाला जो वर्ड है, दिस इज मेजर समथिंग, मेजर को आप उसका अपोजिट जाइए, देन दिस इज माइनर, और माइनर से बन जाता है माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी राइट्स की बात हो रही है किसमें, आर्टिकल 29 में। उसके अगला वाला है दिस इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आप देखेंगे यहाँ पे, एक कोई प्लांट है, आपने बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा होगा। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको कि हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्स बनाते हैं, और वहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरी फॉर्म में जिसमें कि प्लांट एब्जॉर्ब करना चाहता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया गया है। तो त्रिपुरा में इसको कि ट्री है कोई, वो पूरा कब होगा, जब कोई माइनर है उसमें क्या डालोगे, यीस्ट, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है, लेकिन उसमें यीस्ट मतलब इस्टेब्लिश करने का अधिकार है उसे, क्या चीज़, अपना कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह, ये एक माइनॉरिटी को भी अधिकार है। तो ये 30 में आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट आपको रिलेट करना है क्योंकि ये याद होना चाहिए, ये ज़्यादा मेजर काम है हमारा। तो यहाँ मेघालय लिखा हुआ है, तो यहाँ मेघालय से अगला वाला देखेंगे, दिस इज मेगा। इसको मेगा को मेगा आप समझ लीजिए, मेगा मतलब बहुत बड़ा, एंड लॉय मतलब लॉयर, मतलब बड़े लॉयर कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल, आर्टिकल 32, ये आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा। अगर यहाँ रिलेट करेंगे देन ये नीचे वाला पोर्शन है, जितने भी जो समुद्र से जुड़े हुए स्टेट हैं उनसे हम DPSP को याद करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में याद करेंगे। तो ये था अब तक का जितना भी फंडामेंटल राइट्स में, आपको दोबारा मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे J&K से, यहाँ पे वैली है, लो लैंड है, देन इसको लॉ से रिलेट करेंगे, लद्दाख है, लद्दाख में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेट करेंगे इसे। हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर, तो ऊपर है, तो ऊपर से अपॉर्चुनिटी को यहाँ से रिलेट करके, देन आप अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ से याद कर लेंगे। देन UT आता है, ये दिस इज उत्तराखंड, उत्तराखंड में अनटचेबिलिटी को आपको रखना है, और UP में यू केस अयोध्या वाला है, देन उसको टाइटल सूट से रिलेट करना है, तो आर्टिकल 18 है वो टाइटल से रिलेटेड हो जाएगा, तो मतलब अबोलिशन ऑफ टाइटल्स वो हो जाएगा। अगला वाला आएंगे देन यहाँ पे बिहार है, तो बिहार मतलब पब्लिक लाइफ, बाहर की लाइफ में आपको कैसे बिहेव करना है, तो उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स में 6 जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं उसको इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट जाएंगे तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल का एक्सटेंडेड पार्ट है, जो कि ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे कि दार्जिलिंग वाला पोर्शन आ रहा है, और दार्जिलिंग का सबसे फेमस ब्रांड है टी, टी को आपको समझना है, कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी से रिलेट करना है, देन आपको कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिक्किम वाला पोर्शन, जिसको सिक्किम को आप सिक्के समझिए, सिक्के मतलब मनी, मनी से कहाँ से आता है, लाइफ एंड लिबर्टी, और इसको बाद में ऐड किया इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1975 में, तो इसलिए यहाँ ऐड ऑन है, तो ऐड को एजुकेशन से भी जोड़ना है, तो आर्टिकल 21A इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे देन दिस इज आसाम, आसाम में NRC वाला इशू चल रहा है, तो NRC में आपको क्या करना है, कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया, तो सरकार चाहती है उन्हें अरेस्ट किया जाए, तो अरेस्ट का मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला पोर्शन आ जाएगा, जो कि आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला आएगा अरुणाचल प्रदेश, दिस अरुण, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको फील कि एक नाम है जिसका नाम अरुण है, जिसको कि बोला जाता है चल प्रदेश, मतलब ही इज बींग फोर्स फॉर लेबर, तो उसके बाद यहाँ से आपको याद आएगा कि फोर्स लेबर का वो कॉन्सेप्ट, और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। नेक्स्ट जाएंगे देन ये वाला पोर्शन है, दिस इज नागालैंड, नागालैंड में मैंने आपको बोला कि NG से रिलेट करना है, NG इज अ, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो NGT बन जाएगा, तो NGT क्या होता है, वो किस पे काम करता है,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या होगा, फैक्ट्री एंड इन सब पे बहुत सारे बैन लगाता रहता है, तो यहाँ से फैक्ट्री वर्ड याद आएगा, तो यहाँ से चाइल्ड को आपको कलेक्ट करना है कि चाइल्ड जो लेबर है किस में, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में, वो बैन की गई सर्टेन एज के बाद। उसके बाद फिर बहुत सारे लॉ भी लाए गए गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये वाला आर्टिकल यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आएगा इसके बाद 25, 25 में मनी की बात की गई, मणिपुर है, देन मनी मतलब मैनी, तो मैनी को फिर यहाँ से फिर रिलेट करना है। मैनी में मैंने चार रिलीजन का नाम बताया था कि कौन कौन से रिलीजन है इंडिया में मेजर वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर हिंदू को रिलेट करना है कि कोई सा भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, कि कोई सा कॉन्साइंस आपको यूज़ करना है, कोई सा रिलीजन नहीं सॉरी कोई सा भी पाथ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी देवता है जो भी, उसको आप लाइक फील कर सकते हैं और अपना मतलब उसका पूजन पाठन कर सकते हैं। तो ये रहेगा हिंदू से मुस्लिम से मैनेज करना है, सिख से आपको मैंने बताया था टैक्स को नहीं, क्योंकि दिस इज सिख का से थोड़ा सा रिलेट हो रहा है सिख, और क्रिश्चियन को मैंने एजुकेशन से रिलेट किया क्योंकि आपने जो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल वगैरह देखे हैं वो सब कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट हुए हैं। तो नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग यहाँ नीचे वाले पोर्शन में, जैसे त्रिपुरा, त्रिपुरा को सॉरी इससे पहले मिजोरम है जो कि आर्टिकल 29 है, 29 में ये दिया मेजर, तो मेजर को आप अपोजिट करिए देन माइनर हो जाएगा, माइनर से स्टार्ट हो जाता है माइनॉरिटी राइट्स, तो 29 यहाँ से रिलेट करना है। दिस इज नेक्स्ट, दिस इज त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको इसको एक कंसिडर करना, एक प्लांट है जो कि अभी बहुत बड़ा हो गया है, तो उसे कैसे बड़ा किया है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हर प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो नोड्यूल्स बना लेते हैं, नोड्यूल्स में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज होते हैं ऐसा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, इसको रिलेट करना है यीस्ट से, ठीक है, फंगल यीस्ट इस टाइप से जो पैथोजेंस होते हैं उस टाइप से, तो यीस्ट का यूज किया जाता है। तो यीस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे तो ऐड करना है किसको, माइनर को बड़ा करना है, तो माइनर में ऐड करूँ क्या है यीस्ट, तो ऐड यहाँ से आ जाएगा, तो माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट को, दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट। अगले वाला जाएगा ऊपर वाला, दिस इज मेघालय, मेघालय में जैसे आएगा तो मेघा को आपको मेगा बनाना है और लिया मतलब लॉयर, देन एड ऑन, तो बड़े वाले लॉयर कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये हो जाएंगे पूरे आर्टिकल 32। तो ये ही आपको याद करने थे, तो मुझे आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, आप एक दो बार और दोबारा वीडियो देखेंगे देन आपको दोबारा समझ आ जाएंगे, और जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करिए। तो इसके साथ ये फंडामेंटल राइट्स वाला पूरा पोर्शन आपको याद होता है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारा डाउट नेट का जो गवर्नमेंट का एग्जाम चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।